हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश का मौसम, उत्तर प्रदेश में गर्मी के बीच दो दिनों तक गदर मचाएगा मौसम। इन जिलों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर जारी की चेतावनी। रहे सावधान, मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। चिलचिलाती धूप, बढ़ते तापमान के बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों तक लगातार मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अब फिर अगले दो दिनों तक पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित 23 जिले ऐसे हैं जिनमें भारी बारिश के साथ आंधी तूफान को लेकर येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी तेज होगी। वहीं आपको बता दें इस सप्ताह तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी यूपी के बहराइच जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां पर तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह यूपी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अब खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए सतर्क किया है। चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों के लिए आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, हाजीपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन जिलों में मौसम विभाग ने अब फिर अगले 48 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के साथ आंधी तूफान आने को लेकर येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो के आखिर में चली जान लेते कि किन जिलों का कैसा रहेगा मौसम। राजधानी लखनऊ में फिलहाल आज मौसम साफ रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लखनऊ में भी आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे। बात करें अगर गोरखपुर की तो गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। गोरखपुर में भी लगातार हल्की बादल छाए रहेंगे। वहीं बात करें कानपुर नगर की तो कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां पर भी आंशिक रूप से हल्के बादल छाए रहेंगे। वाराणसी में न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान यहां 38 से 39 या फिर 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। वाराणसी में भी मौसम खराब रहेगा। बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यहाँ 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यहाँ पर भी लगातार आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आज और कल लगातार एक दो स्थानों पर भारी बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं एक दो स्थानों पर हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।